आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेजोन पे से इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे भर सकते हैं। किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे आपकी शॉप का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आप भर सकते हैं अमेजोन पे से। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम अमेजोन को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अमेजोन अलग है और उसी में अमेजोन पे है, उससे हम बिल पेमेंट करेंगे। तो आपका अमेजोन पे में एक अकाउंट बना होना चाहिए। यदि आपका अकाउंट अमेजॉन पे में नहीं बना है तो इस सब्जेक्ट पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को देख के, उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप पहले अमेजॉन पे में अपना अकाउंट बना लें, राइट, और फिर आप अमेजॉन पे को ओपन कर लें अकाउंट बना के। और इसके बाद में आपको यहाँ पे 3 लाइन मिलेंगी, आप इन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अमेजॉन पे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अमेजॉन पे के वॉलेट में जो भी आपका कैशबैक डाला होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन को आपको खोज लेना है और इस पर क्लिक कर देना है खोज के। अब यहाँ पे आप अपना स्टेट सर्च कर लें, जैसे हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में बिल भरना चाहते हैं मध्य प्रदेश का, तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख के सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा कि आपका किस टाइप का बिल है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण रूरल का बिल है, तो आप इस पर क्लिक करके भर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना पता कर लें पहले आप किस टाइप का बिल है आपका, राइट। आप यहाँ पे अर्बन का, यानी कि मध्य प्रदेश मध्य में आपका सिटी टाइप का बिल है, तो वो आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण का बिल है तो आप यहाँ पे इसे करेंगे। और यदि आप एमपी मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर का बिल है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो आप अपने हिसाब से पता कर लें आप, राइट, कि आपका किस टाइप का बिल है। जैसे हमारा यहाँ पे इस टाइप का बिल है, हमारा यहाँ पे रूरल का बिल है, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपका अकाउंट आईडी, यानी कि IBRS नंबर, जो कि आपको आपका जो बिल आया होगा घर पे तरफ से इलेक्ट्रिसिटी वालों की तरफ से कि आप इतना बिल भर दें, आपका जो भी बिल ड्यू होगा वो पर्चा होगा उस पर आपका यहाँ पे लिखा रहता है ये अकाउंट आईडी IBRS नंबर, राइट। आप देख लें और वो नंबर आप यहाँ पे इस टाइप से, हमने पहले से पता है हमको नंबर, तो हम उसे टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे इस टाइप से आप अपना नंबर टाइप कर लें IBRS नंबर, और इसके बाद में आप यहाँ पे फेच बिल पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपके घर के जिस भी मेंबर के नाम से बिल आता होगा या आप जिसका भी बिल भर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे अमाउंट भी आ जाएगा कि कितना अमाउंट यहाँ पे ड्यू है जिसे आप पेमेंट करेंगे, राइट। और यहाँ पे लास्ट डेट भी आ जाएगी कि आप इस डेट तक कर सकते हैं, नहीं तो आप पे फाइन लग जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे पेबल अमाउंट, जैसे हमारा यहाँ पे 1081 रुपये बिल है तो यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इसे पे करेंगे तो पे नाउ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाएंगे कि आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके अमेजोन पे के वॉलेट में बैलेंस है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके और इससे भी पेमेंट कर सकते हैं, राइट, या आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं अमेजोन पे UPI से। हम यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो इसको अनचेक कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पे पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप अपना UPI पिन डालेंगे और UPI पिन डाल के राइट के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका बिल पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और कुछ घंटों के अंदर ही आपका बिल अपडेट हो जाएगा कि आपका बिल पेमेंट हो चुका है, राइट। यहाँ पे कुछ घंटे इसमें कभी कभी लग जाते हैं, कभी कभी ये तुरंत हो जाता है। तो इस टाइप से आप अमेजॉन पे से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हैं। यदि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।